हेलो गाइस, कैसे हो? और फ्रेंड्स, देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स अच्छा बताती हूँ, मौसम कितना सुंदर नज़ारा है आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, कितना गजब का नज़ारा है, आप लोग देख सकते हो। इतना सुंदर नज़ारा है कि आपको देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। कितना अच्छा सुंदर नज़ारा दिखा रही मैं आपको। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और इधर देखिए कितना सुंदर सुंदर है चारों तरफ से। इधर देखिए फ्रेंड्स, इधर आयशा बेबी को देखिए। बेबी आयशा धोने बैठे हैं और बेबी बरिया चट्टी के अंदर आयशा देखो बादाम फोड़ के खा रही। इधर देखो आयशा को देखो, इधर बादाम लेके बैठी आयशा। इधर आ बेटा, भागो आप लोगों ने। और देख, और देख आयशा बादाम फोड़ के खा रही इधर। और इधर बहुत सारे कपड़े धोने मेरे को, और आधे कपड़े धो के सुखा है, आधे कपड़े और रखे हैं। ये बांधने की जो तनी है वो भी नीचे गिर गई है और कपड़े वापस गंदे हो रहे हैं, ये वजन की वजह से नीचे हो चुका है इधर। और इधर इसको वापस, आधे कपड़े तो धो लिए हैं, आधे कपड़े और धोने हैं। और फ्रेंड्स देखिए कितना मौसम अच्छा है, एक छोटे छोटे पौधे हो रहे हमारे। और इधर देखिए आप बता रहा हूँ, और घना ही गाबा रह गया आज, पूछो मत। 2-3 दिन आ रहा बेड़ा रिवाड़ा गाबा है। और इधर हमारे गांव के माओ ले तो कुछ कुछ आदमी बाहर निकलते हैं तो घूंघट निकालना भी पड़ता है हमको। और कई, और ये बेबी है, बेबी बोल रहा है कि मेरी वीडियो लो। ये हमारा बेबी है। तू दीजिए मेरा बच्चा, बच्चा अल्लाह अल्लाह, बेबी की नहीं बनाओ। फोन कर बात खतर मिल रही है। हाँ, और देखो आयशा को देखो, पोपा ले रहा है दवाई देने की जो शीशी है वो, तो आयशा उधर उसको कर रही है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको अगली वीडियो में बता दिया था कि हमारे नींबू बिल्कुल छोटे छोटे हैं, आज हमारे नींबू देखो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखो, मैं आपको बिल्कुल पास का नज़ारा दिखा सकती हूँ, इतने बड़े बड़े हो रखे हैं। और हम दोपहर का आवा फैमल में पाचा जैद नींबू रे शिकेंद्रिया बना और बस पीवा।